हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास नाइन्थ इंग्लिश का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर कल 2 जनवरी को होने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दूसरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर का ये पैसेज दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जब आप ये पैसेज अच्छे से रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पैसेज को अच्छे से रीड करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, वाट डिड ही फाइंड। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द ट्रैवलर फील वेन ही गॉट ए थम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। चौथा दिया क्वेश्चन, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रैवलर। पाँचवा दिया हुआ है, वाट डिड द ट्रैवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दोस्तों हेलन केलर वाली पैसेज आपको अच्छे से दोस्तों रीड कर लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वी लर्न टू स्पीक फिल इन द ब्लैंक। दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलेन टू सी। दिया हुआ क्वेश्चन, व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। डी नंबर दिया हुआ है, व्हेन डिड हेलेन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। फॉर ऑप्शन इसमें दिए हुए, पहले ऑप्शन में दिया हुआ एट बर्थ, बी ऑप्शन में दिया हुआ एट द एज ऑफ 2, सी ऑप्शन में दिया हुआ एट द एज ऑफ 4, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ एट द एज ऑफ 6। ई नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी डीफ साइट हियर लाइंड। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दोस्तों पैसेज दी हुई है, इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन दिया हुआ पहला, गिव ए सुटेबल टाइटल। बी नंबर दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, राइट लेटर टू द जनरल मैनेजर MP रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ ए बस कंडक्टर। और में दिया हुआ है, राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। दोस्तों अगर आपको ये लेटर नहीं आता है तो आप ये वाला लेटर लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी आता हो। पांचवा दिया हुआ क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। सो टॉपिक के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, एन आइडल टीचर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी। तो इन 4 टॉपिक में से आपको जिस भी टॉपिक पर ऐसे आता है उसको आपको अच्छे से लिख देना है। अथवा में दिया हुआ है, राइट ए पैराग्राफ ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इन अबाउट 80 वर्ड्स। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स इन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो ये दोस्तों पिक्चर को आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन सी दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर, यू फिल इन द ब्लैंक्स नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। तो 2 ऑप्शन दिए हुए, सुड या फिर सेल, दोनों में से आपको यहाँ पर एक फिल कर देना है, जो भी यहाँ पर सही हो। दूसरा दिया हुआ है, वन ऑफ यू फिल इन द ब्लैंक्स विद मी, कम या फिर कम्स। तीसरा दिया हुआ है, माई स्पेक्टकल्स फिल इन द ब्लैंक्स वेरी एक्सपेंसिव इज या फिर आर। चौथा दिया हुआ है, माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स हिज ड्यूटी वेल डू डज। पाँचवा दिया हुआ, आई गेव हिम फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी कॉइन।
एन द, छठा दिया हुआ रमेश इज फाउंड फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज फॉर ऑफ। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, पहला दिया हुआ है गॉज ही टू डेली स्कूल, डी राइट रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर द टीचर सेड राम इज ए गुड बॉय, चेंज द नरेशन। तीसरा दिया हुआ है यू नो हिम, चेंज इन पैसिव वॉइस। चौथा दिया हुआ है साधना वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, चेंज इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पाँचवा दिया क्वेश्चन ही सोल्ड हिज हाउस, चेंज इन टू नेगेटिव। छठा दिया हुआ है नितिन ड्राइव से कार, चेंज इन टू पास्ट इनडेफिनिट। सातवां दिया हुआ है यहाँ पर सी इज राइटिंग ए लेटर, चेंज इन टू इंट्रोगेटिव। सेक्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है नौ नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, ए ऑप्शन ए जीनियस, बी ऑप्शन ड्यूल, सी ऑप्शन ब्रदर बोरिंग, डी ऑप्शन एज एस। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर व्हाट इज डायनामनी द नेम ऑफ ए बुक ए न्यूज़पेपर ए ट्रेन ए फ्रेंड ऑफ अब्दुल कलाम। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, चिल्ड्रन बॉय गर्ल ब्लाइंड। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ डज द ऑथर्स बिलव्ड फील द टच ऑफ अर्थली लाइफ नाउ, यस नो मे बी नॉट नॉन। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर रीड द स्टेट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, तीन नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, पहला क्वेश्चन हु इज बींग रिफर्ड टू इन द पैसेज, फ्रूट सेलर फ्लूट सेलर प्रीस्ट हेल्पर्स। बी नंबर दिया क्वेश्चन द फ्लूट्स ऑन द पोल आर कंपेयर्ड टू ए बिहेव ए बंच ऑफ ऑरेंजेस ऑफ ए पोर्कुपिन नन ऑफ दी। सी नंबर दिया हुआ राइट द एंटोनिम ऑफ क्लियरली। बी नंबर यहाँ पर दिया हुआ रीड द स्टेट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, तीन नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ द पॉइंट इज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर द रोड फॉर्क्ड इन टू टू थ्री फोर नन। बी नंबर दिया हुआ है हु हैज रिटन दिस पोयम, कॉटेस्किनी रॉबर्ट फ्रॉस्ट फोबी कैरी गाय पटेल। सी नंबर दिया हुआ आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेपरेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ द आंसर द फॉलोइंग टॉक क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी सिक्स। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड कर लेना है और आपको अपने एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इट वाज ए ग्रेसी एंड वांटेड बियर। दूसरा दिया क्वेश्चन व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम विंड। तीसरा दिया हुआ फाइंड फाइव वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। तेरहवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी टू, तीन में से आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चौदह क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, चौदह नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स। तो दिया हुआ यहाँ पर पहला हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, और में दिया हुआ है हाउ डिड इवलिन हियर म्यूजिक। पंद्रहवा क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, व्हाट इज ए लीगेंड वाई इज द पोएम कॉल्ड ए लीगेंड। अथवा में दिया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंचोरिंग अर्थ द एंड अर्थ गेम। सोलह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, सर बिल ब्रिसन एच्ड टू बी स्ट्यूब इज ही सक्सेसफुल इन द इन हिज मिशन लिस्ट हिज अनस्ट्यूब वे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार कर लेना अपने एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।